अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मौलजात फर्स्ट में अमराज़े निज़ाम दिमाग व आसाब पढ़ रहे थे, जिसमें हम सुधा पढ़ रहे थे। सुधा में हमने मादी और गैर मादी की अकसाम देखे, जिसमें हमने गैर मादी की अकसाम में सुधा हार और सुधा बारी साजिश देखे। अब हम सुधा मादी में सुधा बलगमी देखेंगे। इससे पहले सुधा मादी की अकसाम में हमने सुधा सफरावी और सुधा दमवी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सुधा बलगमी देखेंगे। सुधा बलगमी या इसे फ्लेगमिक हेडेक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी तारीफ या डेफिनेशन, इस मर्ज में बलगम की वजह से दर्द सर होता है। किसकी वजह से हो रहा? बलगम की वजह से। आम तौर से बलगम सुधा का बाइस नहीं होता और सुधा की यह नू नस्बता कलीलुल वकू है। तो जो बलगम है ये आम तौर से सुधा का बाइस नहीं होता और सुधा की यह नू नस्बता कलीलुल वकू है, यानी ये जो सुधा की किस्म है ये बहुत ही कम पाई जाती है, कलीलुल वकू है। अब इसके असबाब देखेंगे या कॉजेस। तमाम जिसमें या सिर्फ सर में बलगमी खिल्त का इज्तिमा, बलगमी खिल्त का तमाम जिसमें या सिर्फ सर में बलगमी खिल्त का इज्तिमा होने की वजह से दर्द सर या सुधा हो रहा है। बारिदुल मिजाज होना, ऐसे अशखाज जो बारिद मिजाज रखते हैं या जिनका बारिद मिजाज है उनमें सुधा बलगमी होता है। बारिद अग्जिया व अदविया का बकसरत इस्तेमाल, तुकमा की ज़्यादती पे दर पे हमला। तुकमा ये बदहजमी को कहा जाता है, जैसे जिसमें खट्टी खट्टी डकारें आती है उसे, ठीक है। यह हुए इसके असबाब। अब इसके हम अलामत देखेंगे। अलामत, सर में गिरानी महसूस होती है, हवास में तकद्दुर होता है, नींद लंबी और गहरी आती है। अब जो सुधा बलगमी का मरीज है तो उसकी जो नींद रहेंगी वो लंबी और गहरी होंगी। सुधा दमवी व सफरावी के मुकाबले में दर्द में खिपत होती है और हरारत, चेहरा व आंखों की सुर्खी मफकूद होती है। नथनों और मुंह में रतुबत आती रहती है, जो नथने हैं और मुंह है इसमें से रतुबत का इखराज होगा। पेशाब सफ़ेद और गलीज होगा। नब्ज़ बत्ती चलती है, धीमी चलेंगी और सुधा नस्बतन ज़्यादा अरसे तक रहता है, ठीक है। अब इसका उसूल इलाज, तो उसूल इलाज में सबसे पहले तनकिए आम कराएंगे, इसके बाद तनकिए खास करेंगे, ठीक है। फिर मुंजिजात इस्तेमाल कराएंगे। नुज़ुज और तनकिए के बाद जमात, नुतुल और खुशबुआत के जरिए तादिले मिजाज की तदबीर इख्तियार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तनकिए आम कराएंगे, इसके बाद तनकिए खास कराएंगे। तनकिए खास मतलब तनकिए रास कराएंगे, और तनकिए होने के बाद हम मुंजिजात इस्तेमाल कराएंगे। मुंजिजात इस्तेमाल करने के बाद नुज़ुज और तनकिए के बाद, यह मुंजिजात इस्तेमाल करने के बाद जमात, नुतुल और खुशबुआत के जरिए तादिले मिजाज की तदाबीर इख्तियार करेंगे। अब क्या करें, हमने तनकिया हो गया, मुंजिजात इस्तेमाल करा दिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, जमात, नुतूल और खुशबुआत के जरिए तादिले मिजाज की तदाबीर इख्तियार करेंगे, ठीक है। उतुसात, कुतुरात और तकमीद हार कराएंगे। अब इसका इलाज, आम तौर से ये मर्ज नज़ला व जुकाम के बिगड़ जाने की वजह से आरिज होता है, इसलिए नज़ला बारिद की अदविया इस्तेमाल करें। मरीज को नज़ला व ज़ुकाम हो रहा है तो उसकी वजह से ये मर्ज आरिज हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, मरीज को नज़ला बारिद की अदविया इस्तेमाल कराएंगे। गुले बिनफ़शा, तुकमु खब्बाजी, तुकमु खत्मी, असलुसुस मुकशर, जुशांदा अस्तु खुदूस, हर एक 7 ग्राम शरबत बिनफ़शा 24 ml के हमरा नोश कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा सुधा बलगमी ख़त्म होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।